नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के परौली पंचायत में जहां पे बाढ़ से लोग पीड़ित हैं और यहां के लोग जो है अपना घर छोड़कर, ये हम आपको बता दें कि बसंतपुर के हरायपुर में बनाया गया ये सामुदायिक रसोईया केंद्र है और यहाँ पर सारे लोग अपने परिवार को लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल का मामला है जहाँ पर यहाँ के जो सांसद हैं श्रीग्रवाल जी, वो भी पहुँचे थे और उसी को लेकर कुछ बातावाती हुई यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा और जो सांसद हैं श्रीग्रवाल जी उनके द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं और जो बाढ़ से पीड़ित हैं लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपने परिवार का पूरा पालन पोषण कर रहे हैं, वो उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था। सर, कल का पूरा मामले के बारे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कल क्या हुआ था यहाँ पे घटना बताइए। कल तो श्रीग्रवाल जी आए और दशकांत सिंह भी आए जी और उनके पार्टी भी थे। यहाँ पर आने के बाद बात शुरू हुआ, पूछताछ होने लगा। बवारची से पूछे कि बोले कि ये कितना खाना बन रहा था, तो बवारची ने बोला कि 500 से 600 आदमी को यहाँ खाना बनता है। तो वो बोले कि ये नहीं, तुम कहो 150 आदमी खाता है। तो बोला कि ये नहीं, 100-150 नहीं खाता है, 500-600 खाता है। इसी पर दशकांत सिंह मुखिया जी को डांटने लगे। मुखिया जी को डांटे, कौन मुखिया जी हैं? अजीत कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह। अच्छा, तो वो डांटे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। तो हम लोग इस पर तन गए, पूरे पब्लिक तन गया कि ये आप 29 तारीख से आप तो नहीं देखे हैं, ये मुखिया जी हम लोग बाढ़ राहत में से निकाले हैं, ट्रैक्टर से निकाले, नाव से निकाले, निकाल कर हम लोग यहाँ रखे हैं, अपने पास से खर्चा किए, बाद में सरकार दी है कि नहीं दी है वो तो सरकार पूछता है। तो हम लोग यही बोले। इसके बाद उनके विरोधी पार्टी उठकर मुखिया जी पर लपट गया, उसी पर हम लोग सारा लोग पब्लिक उनके ऊपर गिर गए, झगड़ा तगड़ा थप्पड़ मुका कुर्सी चलौवर हुआ, बात यही तो हुआ। तो और भी लोग हैं, उनसे भी जान रहे हैं, आप भी थे यहाँ पे क्या? आप नहीं थे, आप स्थानीय हैं, पहले हम आपसे जानने की कोशिश। नहीं, हमारा तो यहाँ से रोड पड़ेगा। चलिए, हम आपसे भी बात करेंगे। और भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ के जो वार्ड हैं वो वार्ड भी यहाँ पे मौजूद हैं, वार्ड से भी जान लेते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला था। जी, आप तो यहाँ के वार्ड हैं, सदस्य हैं, क्या पूरा मामला हुआ? मामला तो यही था सर, जब यहाँ खाना वाना बन रहा था तो बवारची से लोग पूछे, जैसे श्रीकांत देवेश कांत जी वगैरह ये सब लोग सांसद जी लोग आए, उन्हीं के समर्थक लोग पूछे खाना कितने आदमी को बन रहा है। बवारची महोदय ये सब लोग बताए 600 का खाना बन रहा है, लेकिन नहीं, गलत बोल रहे हो, इसी के लेकर मामला उठ गया। इसीलिए इसे कुछ और लोगों से पब्लिक लोगों से कुछ ना कुछ पता पाते हुआ इसी पर मामला बढ़ मामला। ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जब बाढ़ यहाँ पे प्रभावित थी, बाढ़ से लोग प्रभावित था, उस समय यहाँ का स्थानीय प्रशासन मदद किया था या जो यहाँ नहीं, यहाँ का स्थानीय मुखिया मुखिया मदद किया मुखिया मदद किए थे। वहीं बाढ़ से ट्रैक्टर से नाव से सब लोगों को यहाँ ऊँचे स्थान पर लाए और खाने पीने का खाने पीने की व्यवस्था किए, उसके बाद सरकार से भी अपना व्यवस्था किया गया, जो बात चल रहा है। यानी जो पूरा मामला हुआ था खाने पीने को लेकर, कितने आदमी को खाना बनाया जा रहा है, कितने आदमी खा रहा है जी, इसी को लेकर हुआ जी, इसी को लेकर। तो यहाँ पे जो साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे थे और बात किए कि जो विवाद बढ़ा वो केवल खाने को लेकर हुआ था, जो खाना बनाने का बावर्ची है उनसे भी बात किया गया था कि खाना कितने लोग खाते हैं या कितने लोगों की बनती है, ये सारी मामला था। उस मामले को लेकर मुखिया जी हैं यहाँ के उनसे, और जो देवेश कुमार हैं वो भाजपा के नेता हैं, और फिर श्रीग्रवाल जी हैं यहाँ के सांसद भी हैं, उन लोगों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फिर मारपीट पर उतारू हो गए सारे लोग, और कुछ लोग जो मुखिया के समर्थक थे वो वहाँ पे झगड़ा को हटाने की प्रयास भी किए हैं। हालांकि झगड़ा पूरी तरह से शांत हो गया है, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर लगातार जांच करने आ रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, पूरा मामला क्या है।